हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण माप उपकरणों को करने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 15 माप उपकरणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है वेव मीटर। वेव मीटर का उपयोग है जो रेडियो वेव की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अल्टीमीटर। अल्टीमीटर यह यंत्र ऊंचाई को मापता है और विमान में भी उपयोग किया जाता है। यानी अल्टीमीटर है जो इस यंत्र का प्रयोग है जो ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है और साथ में यानी आपका विमानों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग है जो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियो यानी आपकी साउंड को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ गैल्वेनोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग कम परिमाण के विद्युत प्रवाह को मापता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोन। इस यंत्र का प्रयोग पानी के नीचे की ध्वनि को मापता है। यानी हाइड्रोफोन का जो यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग है जो गैसों के दबाव को मापने के लिए किया जाता है मैनोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट है ओडोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग जिसके द्वारा पहिया वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। यानी ओडोमीटर का प्रयोग है जो पहियों वाहनों के जो पहिए होते हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रेक्टिफायर। इस यंत्र का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सचारी मैटर। सचारी मैटर यानी इस यंत्र का प्रयोग है जो शर्करा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट है सालिनोमीटर। सालिनोमीटर यंत्र का प्रयोग है जो यह यंत्र समाधान की लवणता निर्धारित करता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में लवणता को मापने के लिए सालिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग है जो एयर विमानों और मोटर नौकाओं की गति मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यह एक उपकरण है। नेक्स्ट है यूडोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग है समय की एक निर्धारित अवधि में तरल वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात इसे रेन गेज भी कहा जाता है। यानी इस यंत्र का प्रयोग है जो किसी समय की एक निर्धारित अवधि में तरल वर्षा की मात्रा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साथ में इसे रेन गेज भी कहा जाता है इस यंत्र को, यूडोमीटर को। नेक्स्ट है स्ट्रोबोस्कोप। इस यंत्र का प्रयोग तेजी से चलती हुई वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप का यूज़ है जो तेजी से चलती हुई वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। इस यंत्र का प्रयोग है जो समुद्र तल से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ इस यंत्र का यूज़ है जो रेखांकन शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। यानी इस यंत्र का प्रयोग है जो रेखांकन शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है काइमोग्राफ का यूज़। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर टाइप करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर टाइप करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।